लोग जो है ना हमेशा यंग रहते को सबसे मिलने बुआ जी है इसको भेज दो नहीं 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 मैरिज भी मैरिज करा एक इसका रिश्ता लक्ष्य बाय डाटा ये इसका नाम लक्ष्य है नाम से ही हो जाएगा बाय डाटा देने पड़ेगा ना क्या दे दो तो भाई बहुत ही जरूरी सूचना जो हमारी दीदियां रिश्ते करवाती हैं इनका नंबर मैं डाल दूंगा तो तुम बहुत तंग करने वाले इनको इतने फोन बच जाएंगे इंस्टाग्राम डाल दें आपको भाई जिसका घर नहीं बस रहा जिसकी शादी नहीं हो रही हमारी बहन से कांटेक्ट करें और ये रिश्ते करवाते हैं बहुत सारे कितनी शादियां करवा देते हैं सैकड़ों साल में 20 तो नहीं 2000 करवा दी हजार उसमें जिसका घर नहीं बस रहा अच्छी फैमिली अगर आपको लगता है कि हाँ भाई रिश्ता ही करवा सकती है तो इनसे बात करना बाकी तंग मत करना और ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई किसी का घर बस जाए बस तो भाई अभी लक्ष्य पूछा दीदी ने कि भाई रिश्ते के लिए डिमांड पूछी क्या क्या तो मैं बोला मैं बता दूं क्या डिमांड इसी लड़का करोड़पति होना चाहिए सिंगल होना चाहिए और मम्मी पापा नहीं होने चाहिए भाई भी नहीं होना चाहिए बहन भी नहीं होनी चाहिए ऐसे रिश्ते हैं आपके पास हाँ जी है ऐसे डिमांड रखोगे दीदी और इतने कॉन्फिडेंस के साथ रिश्ते करवा लो जिनका काम हो तो वो कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने काम में जो करवा चाहते हो ऐसी बात नहीं है देखो 25 साल की लड़की है उसके लिए रिश्ता पूरी डेट ऑफ बर्थ क्वालिफिकेशन पूरा बायोडाटा चाहिए क्वालिफिकेशन 12th है बस और कोई डिप्लोमा नहीं डिमांड बस ये है कि इसकी मम्मी पापा की 2-2 करोड़ की एफडी भी करवा लेते बुढ़ापे में काम आ जाए तो ये इसकी डिमांड ऐसा तो नहीं मिलेगा ऐसा नहीं मिलेगा फिर तो नहीं होगी लग शादी तेरी नहीं तो मिल ली भाई मेरे टीचर से और उन्होंने कोई शिकायत तो नहीं करी आपकी पूछा नहीं तूने कुछ शुरू से दीदी बोलते थे अच्छा आंटी वेंटी बोला नहीं कभी दीदी वो लड़की वहीं की थी ना वो अच्छा समझ गई फिर तो दीदी हुई ना तो गाइस सारी की सारी तैयारियां हो चुकी कीर्तन की बस अभी ना एक बार हमारा जो कमरा है ना उसका झाड़ू लग रहा है क्योंकि बच्चे जो है ना वो ना पूरा का पूरा ना सारा सामान इधर उधर कर देते हैं तो बस पाल यहाँ पे लगा रही है झाड़ू तो गाइस यहाँ पे सारी जगह कारपेट जो है बिछ चुका है मैंने और पाल ने अपनी जो साड़ी है वो निकाल दी है बस फटाफट रेडी होते हैं क्योंकि 4 बज गए हैं 5 से 7 कीर्तन है वापस 1 घंटा है रेडी होने के लिए तुबा क्या गल्ले होती तो भाई आज प्रसाद में जो है मटर पनीर आलू की तरी वाली सब्जी पूरी और इस बार मैंने कड़ा प्रसाद बनवाया है क्योंकि लास्ट टाइम ना जब मैंने पार्ट किया था ना तो इतना टेस्टी बना था तो मैंने बोला था सूजी का हलवा काफी लोग खाते नहीं खाते पर आटे का हलवा जो बनेगा ना वो सब लोग खा लेंगे बच्चे भी खा लेंगे जितने लोग आएंगे वो भी खा लेंगे तो वो हमारे भैया आ गए जो हमारा खाना बनाते हैं हमेशा से वो आ गए मैंने उनको उस वाले किचन में बोला वहां पे बनाओ क्योंकि यहाँ पे संगत होगी तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी और पानी की पेटियां मंगाई है मैंने 4 क्योंकि फिर वो गिलास में पानी देने में अनकंफर्टेबल हो जाता है तो फटाफट से दीदी आ गई हमें साड़ी बनाने तो आज हम पहनने वाले हैं वो साड़ी जो हमने बहुत पहले ली थी आज उसका नंबर आ ही गया यहाँ पे गोलू साड़ी बनवा रही है आयान को गोद में लेके क्योंकि आयान छोड़ नहीं रहा है गोलू को आलो आओ मम्मा के पास आ जाओ मम्मा पास आ गया मेरा पुत्र कौन कहता है मेरा पुत्र मेरे पास आता नहीं कौन कहता है मेरा पुत्र मुझसे प्यार नहीं करता क्या हो गया क्या चाहिए बताओ क्या चाहिए सो गाइस यहाँ पे भाई मैं और पाल रेडी हो गए और हम लोगों ने साड़ी कर दी चेंज क्योंकि ना पहले हम साड़ी पहनते थे पर साड़ी में इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था साड़ी पहन के ना बाकी काम हो नहीं पा रहे थे तो हमने सोचा कोई बात नहीं सूट पहन लेते हैं तो भाई एक एक बार ही पहना हो तो सूट तो ये पहन लिया हमने सो गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं है हम लोगों के पास ना हमारा साड़ी की साड़ी ना लेट हो गई चीजें और एक तो आधा टाइम ना हमारा साड़ी में वेस्ट हो गया अगर साड़ी वेयर नहीं करते ना तो टाइम से चीज हो जाती है बट कोई बात नहीं चलो तो भाई सारी तैयारियां हो चुकी है कीर्तन जी की सारी जो कीर्तन की मंडली है वो आ चुकी है और सच में इतने क्यूट लग रहे हैं तीनों बच्चे पायल ने जो सेट मंगवाया था ब्लू कलर का इतना जच रहा है ना यहाँ तू बापे सामने इतना एंजॉय करे कीर्तन को डांसी करो डांसी जय जय करो जय जय तो गाइस यहाँ पे इतना एंजॉय कर रहे ना जय देखना बोल की बजाने नहीं दे रहा वेरी गुड देखो गुड्डू बोल की लगन दे रहा उनको आप बजाओ वेरी गुड कुसुम माला व्यालयज्ञोपवीतम् मम हृदये निवासम् एकदन्तम् नमामि धरवैस्तूलितनुम् गजेन्द्रवदनम् लम्बोदरम् साघात विदारितादिविदुरेशनम् जगद् व्यापनीम् वीणा पुस्तक धारिणीम् अभयदाम् जानन्दकारापहम्
यहाँ पे भी चल रही है प्रसाद की तैयारी, क्योंकि ना उससे कीर्तन हो रहा था, हम यहाँ पे प्रसाद की तैयारी करे तो बाहर भी मटरी लड्डू और नमक वाली फ्रूट सब कुछ मंगवा रहे हैं। तो भाई हमारा कीर्तन जो है संपन्न हो गया है, अब जो है भोग हमने लगा दिए, तो सब लोग जो बैठे हैं उनको खाना डाल के दे रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे भाई मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है कि मैम की जो दोस्ती है वो हो गई है जैदू के साथ, क्योंकि पता है क्या मैम बोलते सारे बच्चे आते हैं ट्यूशन में है, सारे बच्चे, जैदू कभी नहीं आता। चीकू मैम की दोस्ती हो गई है जैद के साथ, अब से जब भी आप ट्यूशन जाओगे भाई के साथ लेके जाऊंगा, ठीक है, और आप ही लेके जाओगे, ठीक है। और आपको पता है मैम के घर में क्या है, चिट्ठी मैम, मैम लॉलीपॉप दे दी, लॉलीपॉप खाना, चॉकलेट खाना है ना, ये लॉलीपॉप लेने चले आप, अब भी नहीं आ पाएगा मैम, अब भी नहीं आएगा जाने। आपके सामने एबीपी की मालिक पहुंच गया, और शहर मालिक और एबीपी को चलाते हो तुम, दिन रात उनके लिए मेहनत करते हो, जितने भी लोग इस टीम में काम करते सब मालिक है, मुझे लगता है 15-20 हजार लोग है सारे मालिक। तो वर्षा पहुंची है और आने वाले कुछ समय में कुछ जबरदस्त लेके आएंगी एबीपी के लिए, पतले हो गए हो तो भाई बस ये रिकॉर्ड कर लो जूम करके, ये पतला कहा मुझे अरमान देखने मुझे कहता है मैं पतला हो रहा हूं, तेरा तो पता नहीं। थैंक यू मास, थैंक यू, थैंक यू, जानते हो हमारी मम्मी है भाई, देखो जो माँ होती है ना वो सबको जानती है, माँ सब बच्चों को, एक माँ, एक माँ और एक हमारी मैम, ये सब जानती है, सबसे प्यारा और है ना, मेरे भाई को कब टाइम मिल गया, तो राखी बांधने आई है, ये कह रहे थे तेरे नाम की राखी मिली नहीं हमें, तो गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गाना आ चुका है चीकू का, जिसने अभी तक नहीं देखा जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर गाना चेक करो, अपना कमेंट जरूर करना कि आपको गाना कैसे लगा है, और जितना हो सके गाने को प्यार देना ताकि गाना पहले दिन ही ट्रेंडिंग नंबर 1 पे खुल जाए। तो बस गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।